Hello everyone, we are going live once again. और इंडिया का यंगटन यूएसए के अंदर लाइव मैच चल रहा है आर्चरी के अंदर, जिसमें इंडिया की तरफ से ज्योति सुरेखा बेन्नम, शी इज गोइंग टू गो एंड फाइट अगेंस्ट अमांडा लिनारिक, और इनका मैच अभी थोड़ी देर में शुरू होगा। के जो प्लेयर हैं ये वर्ल्ड रैंकिंग इनकी 19 है। और अभी देखना है कि इंडिया की जो सुरेखा बेन्नम है वो कैसा परफॉर्म करती हैं। 8:56 पर इनका मैच शुरू होना था और अभी हम बस वेट कर रहे हैं कि इनका मैच शुरू हो। इनका जो प्रीवियस मैच था वो अभी इन्होंने जीत के, और इस स्टेज के अंदर शी हैज मेड एंट्री। एंड मैं आपको अगर इंडिया की टीम के बारे में बताऊं तो आर्चरी के अंदर इंडिया की टीम का काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। और 2021 वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप्स यूएसए के अंदर इंडियन विमेन और मिक्स्ड कंपाउंड टीम्स ये दोनों की दोनों फाइनल्स में हैं, और ज्योति सुरेखा जिनका भी मैच होने वाला है, शी इज गोइंग टू बी फीचरिंग इन द फाइनल्स। और मिक्स टीम के अंदर जो इंडिया की जो विमेन है उन्होंने वर्ल्ड नंबर 2 ग्रेट ब्रिटेन और जो होस्ट कंट्री है यूएसए की टीम को, उनको मिक्स टीम कैटेगरी के अंदर हराया। ये जो आप मैच अभी देख रहे हैं, जो भी लाइव शुरू होने वाला है, दिस मैच इज इन द इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी, कंपाउंड बो के अंदर। और ऑब्वियसली वर्ल्ड चैंपियनशिप है तो इस टाइम दिस इज द बिगेस्ट मैच फॉर द इंडियन आर्चर्स। और इसके अंदर इससे पहले कंपाउंड विमेन क्वार्टर फाइनल का मैच चल रहा है नटालिया और टोया एलिसन के बीच में। एक और मैच खत्म हुआ कंपाउंड विमेन क्वार्टर फाइनल के अंदर, चार मैचेस हैं कंपाउंड विमेन क्वार्टर फाइनल के, जिसमें पहला मैच मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किसने जीता है। और इसके अंदर एक्चुअली तो कंपाउंड विमेन क्वार्टर फाइनल के अंदर सारा लोपेज ने सारा प्रियल्स को हराया है, और सारा लोपेज हैज मूव टू कंपाउंड विमेन सेमीफाइनल राउंड। और अभी देखते हैं कि इनमें से कौन सेमीफाइनल के अंदर जाता है। कंपाउंड विमेन क्वार्टर फाइनल के अंदर अभी नटालिया और टोया एडिसन का मैच चल रहा है, और अभी अगर मैं आपको इस मैच की हाइलाइट्स दिखाऊं तो अभी फिफ्थ एंड चल रहा है, इसमें 5 एंड होते हैं। बेसिकली एंड का मतलब होता है कि जो बुल्स आई होती है, जो स्कोरर, जो बो का वो जो गोल्स आपने सर्कल देखा हो उसको एंड बोला जाता है, वो अभी चल रहा है डार्ट एंड। और उसके अंदर
अभी नटालिया अबडीवा शी इज टॉपिंग इट विद 135 स्कोर. और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो पहला जो एंड था उसके अंदर दोनों के सेम स्कोर थे, दोनों को एक एक पॉइंट. फिर सेकंड के अंदर टोया ने, और थर्ड के अंदर भी टोया ने, और फोर्थ के अंदर भी टोया ने बढ़त हासिल करी थी. अभी 135 चल रहा है, और 147 के अंदर अभी टोया एलिसन शी इज लीडिंग इट. एंड दिस मैच इज अबाउट टू बी फिनिश्ड. उसके बाद मैच शुरू हो जाएगा कंपाउंड वुमेन क्वार्टर फाइनल के अंदर ज्योति सुरेखा वेनम का. और ओके, सो टोया एलिसन हैज वन द मैच. एंड लेट अस मूव नाउ टू ज्योति सुरेखा वेनम्स मैच, और उसके अंदर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा स्कोर. और ज्योति सुरेखा वेनम का मैच स्टार्ट हो चुका है. आई एम टेकिंग यू टू द फाइनल स्कोर शीट. सो यहां पे अभी इनका मैच शुरू होने वाला है ज्योति सुरेखा का, और ये मैच कंपाउंड वुमेन क्वार्टर फाइनल का है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप्स का. और मैं आपको इंडिया के बारे में बता रहा था, इंडिया की परफॉर्मेंस इन 2021 वर्ल्ड आर्चरी. इसके अंदर इंडिया का इस बारी आर्चरी के अंदर बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि इंडियंस ग्रेट ब्रिटेन वर्ल्ड नंबर टू को और यूएसए को उन्होंने हराया है मिक्स्ड इवेंट के अंदर, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है. और फाइनल्स के अंदर इंडिया की टीम पहुंची है, तो उन्होंने रशिया और साउथ कोरिया जैसे आर्चर्स को हराया मिक्स्ड इवेंट के अंदर. तो ये अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग बात है, और इंडियन आर्चर्स इस पोजीशन तक पहुंचे हैं. अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुरेखा वेनम का मैच चल रहा है, तो सुरेखा यहाँ पे क्वार्टर फाइनल के अंदर लड़ रही हैं. क्वार्टर फाइनल के अंदर जब ये जीतेंगी तो ये सेमीफाइनल में जाएंगी. एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द मैच टू स्टार्ट. और इसके अंदर बहुत ही सुरेखा ज्योति सुरेखा वेनम शी इज हाईली टैलेंटेड प्लेयर फ्रॉम इंडिया, और वर्ल्ड रैंकिंग इनकी 13 है कंपाउंड दो के अंदर. और वो साथ में अमेंडा के साथ भिड़ेंगी. अमेंडा
और मैच शुरू हो चुका है और फर्स्ट एंड के अंदर ज्योति सुरेखा शी इज लीडिंग इट। पहला उन्होंने पॉइंट लिया है, शी इज लीडिंग इट विथ 30 एंड 1 चल रहा है अभी। अमेंडा वर्ल्ड रैंकिंग 19 की हैं, ज्योति सुरेखा वर्ल्ड रैंकिंग 13 है, थोड़ा सा तो रैंकिंग का एज है ही। 6 रैंकिंग का डिफरेंस है जो कि अपने आप में बहुत होता है। और इंडियन आर्चर्स का जैसे मैंने बताया, इट्स बीन अ ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट। इंडियन टीम हैज परफॉर्म्ड रियली वेल when it comes to giving a tough fight, or और इंडिया की जो वुमेन की जो टीम है that is ranked 7th in the world। मैं आपको थोड़ा इसके अंदर बताना चाहूँगा while you are watching the match, जिसमें ज्योति सुरेखा हैं उसके अंदर एक मिक्स्ड इवेंट के अंदर उनकी रैंकिंग में आपको बता चुका हूँ 13 है। उसके अंदर प्रिया गुर्जर है, मुस्कान किरार हैं, और उन्होंने एक्चुअली फ्रांस को हराया सेमीफाइनल मैच में, और बहुत ही अमेजिंग डिफेंस से हराया, 14 पॉइंट से हराया, 234 वर्सेस 220। और अब उनका मुकाबला होगा मिक्स टीम के अंदर टॉप सीडेड कोलंबिया से। सो इंडिया की जो टीम है दैट इज सीडेड 7th इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे ज्योति सुरेखा ने शी हैज टेकन द लीड, शी इज लीडिंग द गेम। और अगर आज अभी अगर ये मैच जीत जाती हैं तो थोड़ी देर में ही सेमीफाइनल होगा। सेमीफाइनल एक ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है सारा लोपेज और टोया एलिसन के बीच में। उसके बाद अगर ज्योति ये मैच जीतती हैं तो उनका मुकाबला या तो एंड्रिया बकेरा से होगा या फिर कोरिया की सोंग युन सू के साथ होगा। तो दोनों में से एक मैच अगर ये मैच जीत जाते जो बहुत ही प्रोबेबिलिटी लग रही है इस टाइम, देन शी इज गोइंग टू मूव ऑन टू सेमीफाइनल राउंड। और सेमीफाइनल इसके बाद ज्योति के मैच के बाद एक और क्वार्टर फाइनल राउंड होगा। उस क्वार्टर फाइनल के बाद पता चल जाएगा कि ज्योति का कौन कंटेंडर होगा सेमीफाइनल के अंदर, और उस सेमीफाइनल के बाद आज ही ब्रॉन्ज और गोल्ड का मैच होगा। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग नाइट। एंड यहाँ पे ज्योति शी इज लीडिंग इट, शी वन द फर्स्ट एंड बाय 30 पॉइंट्स। अभी सेकंड एंड चल रहा है, सेकंड के अंदर शी हैज ऑलरेडी स्कोर्ड 60 पॉइंट्स। एंड हेलो नीलम पांडे जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो यहाँ पे जो मैच में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, दिस मैच इज गोइंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जैसे मैंने बताया। और इसके अंदर इंडिया का जो सेमीफाइनल का मैच होगा वो कल होगा, कल आखिरी दिन है इंडिया का आर्चरी के अंदर। कल आर्चरी चैम्पियनशिप्स ये खत्म हो जाएंगी। एंड मैं आपको मिक्स टीम के बारे में बता रहा था। मिक्स टीम के अंदर ऑब्वियसली इस टाइम
आप देख सकते हैं कि सुरेखा बहुत अच्छा कर रही है। और मैं मिक्स टीम के बारे में जो जैसा आपको बता रहा था कि इंडिया की जो टीम है मिक्स्ड वो 7th रैंकिंग पर है इस टाइम वर्ल्ड के अंदर। और इंडिया की टीम के अंदर ज्योति सुरेखा है जिनका आप मैच अभी देख रहे हैं, उसके साथ में प्रिया गुर्जर है और मुस्कान किरार भी हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। और मैं आपको भी थोड़ी देर पहले यही बता रहा था कि इंडिया ने सेमीफाइनल्स के अंदर फ्रांस को हराया था 14 पॉइंट से। इंडिया ने स्कोर करा था 234 वर्सेस 220। और अब इंडिया का जो मैच है फाइनल में मिक्स टीम के अंदर वो होगा कोलंबिया के साथ। कोलंबिया नंबर 1 टीम है वर्ल्ड में इस टाइम। और मिक्स टीम के अंदर ही अभिषेक है और उसके अंदर अभिषेक और ज्योति थे जिन्होंने कोरिया के टीम को हराया। और मिक्स टीम के अंदर फाइनल में इंडिया की जो मिक्स टीम है वो कोलंबिया के साथ भिड़ेगी। तो आपको अगर थोड़ा सा मैं समझाऊं इसके बारे में कि मैं क्या बात कर रहा हूं, तो इंडिया की 2 टीमें गई हैं फाइनल में। एक गई है मिक्स टीम जिसके अंदर एक मेल और एक फीमेल होता है, और एक गई है विमेन टीम। तो इंडिया की जो विमेन है उन्होंने बहुत अच्छा, थैंक यू नीलम पांडे मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा मैसेज दिया, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर विशेस। मैं आपको बता रहा था कि इंडिया की 2 टीम्स गई हैं दोस्तों, एक गई है विमेन की टीम। और मैं बहुत ही प्राइड लेके ये बात कह सकता हूँ कि इंडिया की जो विमेन है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं कि कहने की हद नहीं है। और ये उन सब जो भी लोग सोचते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर फीमेल्स नहीं परफॉर्म कर सकती हैं, उनके उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। क्योंकि इंडिया की जो अभी आप देख रहे हैं कि नीलम प्रभा जी, आपने भी बोला है कि इंडिया जीतेगा बिल्कुल, और ज्योति सुरेखा वैनम आप देख सकते हैं कि वो कितना बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। इंडिया की जो विमेन टीम है वो फाइनल में गई है। और अभी फिलहाल बहुत हाई होप्स हैं कि ज्योति सुरेखा भी फाइनल में जाएंगी। अभी एक क्वार्टर फाइनल मैच है, इसके बाद सेमीफाइनल मैच है दोस्तों, इसके बाद एक और क्वार्टर फाइनल का मैच है, हार्डली वो 10-15 मिनट चलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी 90 से लीड कर रही हैं सुरेखा, और अभी 110 हो गया उनका स्कोर, तो 110 वर्सेस 106, वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस। 4 एंड हो चुके हैं, अभी एक और एंड बचा है विच इज़ 5th, और इसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि ज्योति सुरेखा जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। बिल्कुल जाएंगी, डेफिनेटली जाएंगी, 100% जाएंगी। और इसके बाद आज ही ब्रॉन्ज और गोल्ड का फैसला हो जाएगा। तो इसके इमीडिएटली बाद सेमीफाइनल होगा जिसमें ज्योति फिर से खेलेंगी। और आपको याद होगा कि एक और ज्योति इंडिया की आर्चर हैं बहुत अच्छी, ज्योति बालियान, जो पैरालंपिक्स के अंदर गई थी, हालांकि थोड़ा उनका परफॉर्मेंस, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी मिक्स टीम के अंदर भी। मिक्स टीम के अंदर ज्योति और राकेश जी खेले थे, राकेश कुमार, पैरालंपिक्स में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था। और यहाँ पे भी विमेन टीम बहुत अमेजिंग परफॉर्म कर रही है। तो ज्योति बालियान, ज्योति सुरेखा, सब जगह ज्योति ही ज्योति, ज्योति ही ज्योति, एंड वी आर ऑल थैंकफुल टू देम दैट दे आर सपोर्टिंग एंड दे आर लीडिंग इंडिया। सो अब बस वेट करिए, जस्ट वेट फॉर दिस स्कोर, फॉर दिस गेम टू गेट कंप्लीटेड, एंड देन यू विल सी कि इंडिया का इसके अंदर आज एक मेडल वर्ल्ड आर्चरी के अंदर मुझे बिल्कुल लगता है कि आएगा, और आना भी चाहिए क्योंकि ज्योति वर्मा इसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और मैं आपको बता रहा था कि 2 टीमें गई हैं दोस्तों, एक विमेन की टीम फाइनल में गई है जिसका मैच कल होगा, और एक मिक्स टीम गई है जिसके अंदर एक मेल और एक फीमेल है।
और मिक्स टीम के अंदर भी देखिए ज्योति, आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि ज्योति कितने टैलेंटेड प्लेयर है। वो तीन टीमों के में खेल रही हैं, एक तो इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर खेल रही हैं जिसका आप मैच अभी देख रहे हैं राइट नाउ, एक वो विमेन टीम के अंदर है और एक वो मिक्स टीम के अंदर है, वर्ल्ड नंबर 13 ज्योति वैनम, बड़ा टैलेंटेड प्लेयर। और ज्योति सुरेखा वैनम जब से वो 4 साल से थी तब से वो खेल रही हैं, इंडियन आर्चर हैं। और मैं आपको एक और बात उनके बारे में बता दूं ज्योति सुरेखा के बारे में कि वो आर्चरी तो हैं, आर्चर तो हैं ही वो, और इस टाइम वो बहुत अच्छा आर्चरी मैच भी खेल रही है। यहाँ पे थोड़ी सी बढ़त ले ली है अमेंडा ने, लेकिन देखते हैं अभी आखिरी एंड चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। ज्योति ज्योति के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ज्योति सुरेखा का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर भी नाम है फॉर क्रॉसिंग द कृष्णा रिवर 3 times। 3 बारी उन्होंने कृष्णा रिवर आपको पता है कि इंडिया की 4th biggest river है इन टर्म्स ऑफ वाटर फ्लो, और गंगा गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद कृष्णा रिवर आती है साउथ इंडिया के अंदर। 1,288 किलोमीटर लंबी है ये, 4 states से निकलती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उसको ज्योति ने 3 बारी क्रॉस करा है विद अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इन 20 minutes and 6 seconds, और 70 मेडल वो ले चुकी हैं इन वेरियस इंटरनेशनल और नेशनल कॉम्पिटिशन। सो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है और इसीलिए ज्योति इंडिया की 3 टीमों के अंदर है जो कि यूएसए के अंदर इस टाइम खेल रही है वर्ल्ड आर्चरी। और ये जो आप मैच देख रहे हैं लाइव हो रहा है, मैं आई एम थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग इंडियन टीम। हालांकि आईपीएल का सीजन चल रहा है, लोगों को इतना आईपीएल का क्रेज है इस टाइम कि वो ऑल ऑफ देम आर जस्ट क्रेजी आफ्टर क्रिकेट, बट लुक एट द अचीवमेंट ऑफ इंडियन आर्चर्स वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड और 150 स्कोर, अ मैसिव लीड बाय ज्योति। एंड यहां पे ज्योति ने 150 की लीड ले ली है और पूरा यहां पे लग रहा है कि ज्योति इज गोइंग टू मूव टू सेमीफाइनल्स। लेट्स जस्ट वेट फॉर द स्कोर टू बिकम ऑफिशियल। एंड 4 arrows मिलते हैं एंड देयर यू गो, 4 arrows इसके अंदर मिलते हैं हर एक एंड के अंदर। और वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द स्कोर्स टू बिकम ऑफिशियल, कुछ ही सेकंड की बात है, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स इट इज गोइंग टू बी फाइनलाइज्ड that Jyoti Surekha from India, she is moving to the next round and we are just waiting for the scores to become final. So and yes, congratulations to everyone, congratulations to Jyoti, congratulations to all the viewers. Jyoti has won the game in compound women's quarterfinal. What a splendid match, splendid performance by the girl. And with a final score of 150, Jyoti Surekha Venom of India, what a proud moment. She has moved to the semi-final round. And now the semi-final
इंडिया का अभी एक और मैच बचा है क्वार्टर फाइनल के अंदर। मैं आपको क्वार्टर फाइनल की स्क्रीन दिखा देता हूँ सो दैट यू नो कि इंडिया का नेक्स्ट मैच किसके साथ होगा विमेन कैटेगरी के अंदर। सो what a performance and just give me a minute, I am going to share the screen for okay. So this is the lineup women compound quarter final ke andar pehla match hua tha Sara versus Sera। सारा लोपेज ने ये मैच जीता एंड सारा लोपेज बिकेम द फर्स्ट पार्टिसिपेंट फॉर कंपाउंड विमेन सेमीफाइनल मैच। अभी ज्योति ने अपना मैच जीता है जिसके अंदर 11:02 पर इंडिया के टाइम के हिसाब से ज्योति सुरेखा वैनम का मैच होगा। और अभी एक और मैच बचा है कंपाउंड विमेन क्वार्टर फाइनल। कंपाउंड वुमेन क्वार्टर फाइनल का मैच का गेम जैसे ही खत्म होगा उसके बाद कंपाउंड वुमेन सेमीफाइनल शुरू हो जाएगा और सेमीफाइनल के बाद इट विल बिकम कंपाउंड वुमेन सेमीफाइनल 2 जिसके अंदर ज्योति सुरेखा मूव करेंगी या तो सेरा या फिर टोया एलिसन, इन दोनों में से एक प्लेयर जाएगा कंपाउंड वुमेन सेमीफाइनल के अंदर, माफ कीजिएगा ब्रॉन्ज के अंदर। और इंडिया का एक सिल्वर पक्का मुझे लग रहा है इसमें से कम एक मेडल इंडिया का आना चाहिए विमेन कंपाउंड सेमीफाइनल में। ज्योति सुरेखा वैनम का जो रैंकिंग है वो 13 है और कंपाउंड सेमीफाइनल का भी मैच शुरू होने वाला है, माफ कीजिए कंपाउंड वुमेन क्वार्टर फाइनल का मैच अभी स्टार्ट हो चुका है, शुरू होने वाला है थोड़ी देर में कंपाउंड वुमेन सेमीफाइनल का। जब ये मैच खत्म हो जाएगा तो इसके अंदर पता चल जाएगा कि इंडिया की ज्योति सुरेखा किसके साथ लड़ेंगी। दो प्लेयर्स हैं हमारे पास, ऑन्ड्रिया बकेरा और साउथ कोरिया की यूनसू सॉन्ग। सो थोड़ा सा वेट करिए दोस्तों, यहाँ पे अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि इंडिया की क्या पोजीशन आने वाली है। एंड दिस हैज बीन अ वेरी वेरी ट्रिमेंडस अचीवमेंट, अ वेरी वेरी ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस बाय द इंडियन स्पोर्ट्स पीपल। और वो इसलिए ऑब्वियसली कि ये जितने मैचेस हुए हैं इसके अंदर इंडिया ने बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया है। और इसके अंदर स्पेशली ज्योति सुरेखा का मैं आपको बता रहा था, ज्योति सुरेखा ने अभी अभी मैच जीता है एंड ज्योति इज नाउ वेटिंग फॉर कंपाउंड सेमीफाइनल मैच टू बी ओवर। जैसे ही कंपाउंड सेमीफाइनल का मैच खत्म हो जाएगा हमें पता चल जाएगा कि ज्योति का मैच किसके साथ होने वाला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर ज्योति 25 साल की हैदराबाद में बॉर्न हुई, विजयवाड़ा की रहने वाली है और इंडिया के अंदर अभी ये वर्ल्ड रैंकिंग इनकी 13th है। And she has been a serial winner all throughout her life. International, national level पे 70 medal वो अब तक ले चुकी हैं। और इनके पिता भी actually, इनके father भी former कबड्डी player रहे हैं। तेरह साल की उम्र में उन्होंने
ओलंपिक राउंड गोल्ड मेडल जीता था एट मेक्सिकन ग्रांड प्री, और उसके अंदर उन्होंने ब्रॉन्ज और 3 सिल्वर मेडल भी लिए थे, और एशियन आर्चरी चैंपियनशिप्स के अंदर उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे 2011 के अंदर। तो ज्योति सुरेखा इंडिया की बहुत ही होनहार और बहुत ही अमेजिंग प्लेयर है, और अभी जो इनका मैच थोड़ी देर में शुरू होगा वो मैच हमें पता चल जाएगा कि किसके साथ होने वाला है। आप देख सकते हैं कि इस टाइम कंपाउंड वेमेन क्वार्टर फाइनल के अंदर 57-56 पर लीड कर रही हैं ऑन्ड्रिया। तो दोनों में से कौन आगे जाएगा ये अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। ज्योति का मैच 11:02 पर शुरू होगा, 11:02 टैंकटॉन टाइम के हिसाब से, टैंकटॉन टाइम मतलब कि यूएसए के अंदर, साउथ डकोटा के अंदर, और इंडिया के टाइम के हिसाब से 9:32 पर ज्योति सुरेखा का सेमीफाइनल राउंड शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें देर लगेगी। ये मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली 9:32 पर ये शुरू नहीं होगा, क्योंकि अभी जो मैच चल रहा है वो ख़त्म नहीं हुआ है, ये ख़त्म होते होते भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ही, इस मैच के अंदर ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो कंपाउंड वुमेन सेमीफाइनल के अंदर भी 2 इसमें एंड अभी ख़त्म हुए हैं, अभी इसके अंदर और भी एंड ख़त्म होने हैं। थोड़ा सा आपकी स्पोर्ट्स नॉलेज के लिए, अभी 3rd एंड आ चुका है, सो हर एक एंड के अंदर 4 एरोज मिलते हैं, टोटल 5 एंड होते हैं, और टोटल इसके अंदर अराउंड 20 इसके अंदर एरोज मिलते हैं टोटल। और इसमें मैक्सिमम जो आप स्कोर कर सकते हैं वो देखिए, जैसे इसके अंदर यहाँ पे दोनों ने 28-28 स्कोर करा था टोटल, मैक्सिमम जो आप स्कोर कर सकते हैं वो एक एरो में 10 हैं, और यहाँ पे इस टाइम टोटल ऑन्ड्रिया के 86 हुए हैं। कोरियन प्लेयर्स, कोरियन आर्चर्स जो है वो बहुत अमेजिंग माने जाते हैं, स्पेशली इन आर्चरी, और आर्चरी के अंदर ही एक्चुअली इंडिया ने भी पैरालंपिक्स में, आपने देखा होगा कि इंडिया का पैरालंपिक्स में क्या परफॉर्मेंस रहा था, इंडिया ने सिल्वर लिया था। और एक और चीज़ में देखने वाली ये है कि इंडिया का ना सिर्फ पैरालंपिक्स के अंदर लेकिन और इसमें वर्ल्ड आर्चरी के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस टाइम तक। मैं जो अभी दर्शक अभी जुड़े हैं, मैं उनको ये बता दूँ कि इंडिया की एक्चुअली 2 टीम्स हैं वो फाइनल में गई हैं, एक मिक्स टीम गई है और एक विमेंस टीम गई है। 86 पर ऑन्ड्रिया टेकिंग अ लीड, और इंडिया की जो मिक्स टीम है और इंडिया की जो विमेन टीम है दोनों ही के अंदर ज्योति सुरेखा ने पार्टिसिपेट करा है। इंडिया अभी तक इस मैच के अंदर बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस करता आ रहा है। कंपाउंड जो मेंस की जो टीम है उसके अंदर इंडिया की जो मेन है उसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। ज्योति सुरेखा इज एक्चुअली द ट्रम्प कार्ड ऑफ इंडिया। 2019 के अंदर जब वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप्स हुई थी तो उसके अंदर भी ज्योति ने 3 मेडल जीते थे, जिसके अंदर 1 सिल्वर और
और एक ब्रॉन्ज था, माफ कीजिएगा, दो इसमें सिल्वर थे, एक ब्रॉन्ज था, और अर्जुना अवार्ड इनको मिल चुका है ज्योति सुरेखा को, और इस साल वो खेल रत्न के लिए नॉमिनेटेड भी हैं। इनको नॉमिनेट करा है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, और वो ऑब्वियसली इसलिए करा है क्योंकि ज्योति जो है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड आर्चर्स हैं इस टाइम। और मैचेस इंचिंग टू अ क्लोजर। मैं आपको एक और बता दूं कि इंडिया की बहुत सेलिब्रेटेड प्लेयर हैं वर्ल्ड नंबर वन रिकर्व के अंदर दीपिका कुमारी, वो ट्रायल नहीं क्रॉस कर पाई, टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर वो गई थी, लेकिन वहां पे ट्रायल्स के अंदर जो सोनीपत में हुए थे हरियाणा में, ओलंपिक्स के एकदम बाद उसमें वो नहीं परफॉर्म कर पाई। दीपिका कुमारी रिकर्व वो यूज करती हैं और ज्योति सुरेखा कंपाउंड वो यूज करती हैं। दोनों बोस के अंदर थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप गेम को देखते हैं, गेम को अगर आप जानते हैं, तो आपको पता होगा कि आर्चरी के अंदर दो तरह के बोज होते हैं, एक कंपाउंड बो होता है और एक रिकर्व बो होता है। दोनों में डिफरेंस है, कंपाउंड बो और रिकर्व बो की टीम्स अलग होती हैं। जो बो ज्योति सुरेखा यूज करती हैं वो कंपाउंड बो होता है, और आपको मैं एक और चीज के अंदर बात बता दूं कि इस टाइम हम वेट कर रहे हैं फॉर द क्वार्टर फाइनल राउंड टू गेट ओवर। ये क्वार्टर फाइनल राउंड जब खत्म होगा तो इस क्वार्टर फाइनल राउंड के बाद हमें पता चल जाएगा कि इंडिया की ज्योति सुरेखा वो किसके साथ भिड़ेंगी, और कंपाउंड क्वार्टर फाइनल का ये लास्ट मैच है जिसमें अभी दोनों ही प्लेयर्स एकदम टक्कर पर हैं, और इस मैच के बाद कंपाउंड विमेन सेमीफाइनल शुरू हो जाएगा, और सेमीफाइनल के बाद पहले एक सेमीफाइनल होगा जिसके अंदर जिसके अंदर सारा लोपेज और टोया एलिसन लड़ेंगी, उसके बाद ज्योति सुरेखा का नंबर आएगा, उनका मैच होगा, और दोनों ही प्लेयर्स अभी एकदम कांटे की टक्कर पर, एंड्रिया और जिनसू दोनों ही बेहतरीन खेलते हुए 143-143 के ऊपर दोनों ने अपनी टैली खत्म करी। अब शूट ऑफ होगा। शूट ऑफ के अंदर जो एक एक एरो दोनों को मिलेगा उसके अंदर जो आगे जो ज्यादा उसके अंदर स्कोर करेगा वो मैच फाइनल जीतेगा। दोनों को एक एक और चांस मिलेगा। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इन अ मिनट कि शूट ऑफ के अंदर कौन आके गया। और there is a very very high possibility that India wins at least one medal in this archery championship. And we can see women's team का जो मुकाबला होगा वो कल होगा। मैं आपको
बार बार ये चीज बता रहा हूँ और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यू हैव टू वॉच दैट मैच, यू हैव टू सपोर्ट द इंडिया टीम एंड यू हैव टू बी देयर टू सपोर्ट द विमेन्स मिक्स टीम एज वेल एज द विमेन्स कंपाउंड आर्चरी टीम. और शूट ऑफ शुरू हो गया है, शूट ऑफ हैज स्टार्टेड. सो नाउ लेट्स सी दैट हू टेक्स द मैच. एंड्रिका या फिर सुनयू बहुत ही टक्कर का खेल रही हैं दोनों की दोनों. और एंड देयर यू गो. सो शूट ऑफ के अंदर नाइन स्कोर करके, हालांकि दोनों ने नाइन स्कोर करा, लेकिन मेरे ख्याल से इसके अंदर शायद कोई पेनल्टी हुई है सुनयू की, जिसकी वजह से जो मैच है That has been won by Andrea. So, अब इंडिया का मुकाबला होगा कंपाउंड सेमीफाइनल में. मैं आपको दिखा देता हूं कि अब क्या लाइनअप है एंड बहुत ही अमेजिंग इसके अंदर लाइनअप होगा. एंड यू कैन सी दैट दिस इज द फाइनल लाइनअप. ज्योति सुरेखा इंडिया की कंपाउंड विमेन सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं. और इसमें से दो प्लेयर निकलेंगे और वो जो दोनों प्लेयर हैं उनके अंदर कंपाउंड सेमीफाइनल का मैच शुरू हो चुका है. इस मैच के अंदर इन चारों में से दो प्लेयर्स निकलेंगे. उन दो प्लेयर्स के बीच में सिल्वर मेडल का मैच होगा और मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया इसके अंदर सिल्वर मेडल लेके आएगा. अगले 10 मिनट के अंदर यह फैसला हो जाएगा कि इंडिया इसके अंदर सिल्वर लेके आएगा या कुछ और मेडल लेके आएगा. लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया की जो टीम गई थी, इंडिया की टीम ने बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस की है. इंडिया की टीम के अंदर से कंपाउंड टीम में तीन प्लेयर्स गए थे, तीन फीमेल्स कंपाउंड में गई थी और तीन रिकर्व के अंदर गई थी. मुस्कान किरार, ज्योति सुरेखा एंड प्रिया गुर्जर वर फ्रॉम द कंपाउंड टीम. कमोलिका बारी, राधि रिधि फोर एंड अंकिता भगत, छह प्लेयर्स गई थी रिकर्व और कंपाउंड. तीन तीन प्लेयर्स हुए थे इसके अंदर. और कंपाउंड के अंदर सिर्फ ज्योति सुरेखा हैं जो इस लेवल पर पहुंची हैं. एंड वी नीड टू सी कि ज्योति इंडिया के लिए क्या लेके आती हैं इन टर्म्स ऑफ द मैच. और जब तक ये मैच शुरू होता है तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक वीडियो देखिए फॉर योर नॉलेज एंड यू विल सी दैट एंड आई विल सी यू अगेन इन 5 to 10 minutes. जब ज्योति सुरेखा का मैच शुरू होगा तब तक कहीं मत जाइए. स्टे हियर विद अस एंड टिल द टाइम एंजॉय अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो बाय बिलोंग टू स्पोर्ट्स. सी यू गाइस इन 5 minutes. हम सबको इंडियन आर्मी पर गर्व है. इंडियन आर्मी जिसकी वजह से यह देश बचा हुआ है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की रक्षा करती है. लेकिन क्या आपको यह पता है कि इंडियन आर्मी ना सिर्फ जंग के मैदान में भारत की रक्षा करती है
बल्कि खेल के मैदान में भी भारत का सर गर्व से ऊंचा करती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंडियन आर्मी की पैरालंपिक नोट की, जो देश के सोल्जर्स को दूसरी जिंदगी देती है और एक दूसरा मौका देती है कि भारत के लिए लड़े, जंग के मैदान में नहीं बल्कि खेल के मैदान में भी। ।2017 में इस्टैब्लिश हुई आर्मी पैरालंपिक नोट इसलिए बनाई गई ताकि वो सैनिक जो आर्मी में रहते हुए फिजिकली इम्पेयर्ड हुए हैं उनको खेलने का मौका मिले, ताकि उनका मॉरल और मोटिवेशन बना रहे और वो ये ना समझे कि फिजिकल इम्पेयरमेंट के बाद कोई लाइफ नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि 2017 से अब तक इस नोट से आने वाले पैरा एथलीट्स ने 60 इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं, जो अपने आप में कामयाबी की एक मिसाल है। इस नोट के खिलाड़ी भारत की तरफ से एक से बढ़कर एक कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि एशियन पैरा गेम्स, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स, वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप्स, वर्ल्ड ग्रांड प्री इवेंट्स और ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स भी। आर्मी पैरालंपिक नोट भारत में केवल एकमात्र ऐसी ऑफिशियल स्पोर्ट्स नोट है जो पैराप्लेजिक सोल्जर्स को सपोर्ट करती है और जो इंडियन आर्मी द्वारा स्पॉन्सर्ड है। और यह इनिशिएटिव था कर्नल गौरव दत्ता का। 2001 में कर्नल गौरव दत्ता जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा बिछाई गई लैंडमाइन ब्लास्ट के चपेटे में आ गए। उनको पुणे के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। कर्नल दत्ता फिर से अपने पांव पर खड़ा होना चाहते थे। डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी कि वो अपनी टांग की दूसरी सर्जरी कराएं, जिसके बाद उनकी टांग का एक और हिस्सा काटा गया ताकि उनकी एम्पीटेटेड लेग में प्रोस्थेटिक लिम्ब फिट आ सके और वो फिर से खड़े हो सकें। कर्नल दत्ता को रनिंग ट्रैक पर वापस आने में 13 साल लगे और उन्होंने हैदराबाद में 5000 मीटर की रेस पूरी करी, मगर कर्नल दत्ता की रेस यहीं खत्म नहीं हुई और उन्होंने कई और मेडल्स जीते। आखिरकार 2017 में उनका यह प्रयास कामयाब रहा जब इंडियन आर्मी ने इस इनिशिएटिव को कंसेंट दी और उनको इस चीज़ की मंजूरी दी कि वो अपना एक अलग से ट्रेनिंग सेंटर शुरू करें, जहां पैराप्लेजिक सोल्जर्स को खेलने के लिए तैयार किया जा सके, और इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम रखा गया आर्मी पैरालंपिक नोट। अब यह सेंटर कर्नल दत्ता चलाते हैं और सबसे अच्छी बात है कि जिन सोल्जर्स की यहाँ ट्रेनिंग होती है उनको ठीक वैसा ही ट्रीटमेंट मिलता है जैसा एक रेगुलर एबल बॉडीड सोल्जर को, और सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं इंक्लूडिंग मंथली सैलरी। और इसी पैरालंपिक नोट से आते हैं शिलोंग के रहने वाले 38 साल के सोमन राणा, जिन्होंने हाल ही में हुए पैरालंपिक्स में परफॉर्म किया था। 2006 में एक लैंडमाइन ब्लास्ट में ही सोमन राणा को अपनी दाई टांग गंवानी पड़ी थी, लेकिन सोमन राणा ने हार नहीं मानी। सोमन राणा को 2017 में आर्मी पैरालंपिक नोट का हिस्सा बनाया गया और अपना खेल का सफर शुरू करते हुए वो टोक्यो पैरालंपिक्स तक पहुंच गए। मेरा सलूट है भारत के इन सभी सोल्जर्स को जिन्होंने हम सबके आगे हिम्मत और कामयाबी की एक मिसाल रखी है। आप लोगों ने समय निकालकर बिलोंग टू स्पोर्ट्स का ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। बिलोंग टू स्पोर्ट्स भारत का पहला और एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फीमेल पैरा एथलीट्स और LGBTQ एथलीट्स को डेडिकेटेड है। कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग बिलोंग टू स्पोर्ट्स। जय हिंद। हम सबको इंडियन आर्मी पर गर्व है। इंडियन आर्मी जिसकी वजह से यह देश बचा हुआ है,
जो कश्मीर से लेकर दिल्ली के सिमरन शर्मा, 22 साल की उम्र में जिन्होंने एक नया इतिहास रचा। वो भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने 100 मीटर ट्रैक इवेंट में 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए भारत की तरफ से क्वालिफाई किया। कहते हैं कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर सिमरन मानते हैं कि उनकी कामयाबी के पीछे हाथ है उनके हस्बैंड गजेंद्र सिंह का। आपने अपनी अपना जो एथलेटिक करियर है जी सर, वो आपने सिमरन के लिए सैक्रिफाइस वो कर दिया सर मैंने। खुद एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर रहे गजेंद्र ने ना सिर्फ एक हस्बैंड के नाते सिमरन को पूरा सपोर्ट करा, बल्कि अपना खुद का एथलेटिक करियर भी दांव पर लगाकर सिमरन को कोचिंग दी। भारतीय सेना में काम करने वाले गजेंद्र और उनकी पत्नी सिमरन की कहानी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं है, जिसके हीरो हैं खुद गजेंद्र और हीरोइन उनकी पत्नी और इंटरनेशनल एथलीट सिमरन। आप बिलोंग टू स्पोर्ट्स द्वारा किया गया इनका एक इंटरव्यू देखिए, जिसको देखकर आपको यह पता चलेगा कि दोनों में कितना प्यार है, दोनों एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं, और शायद यह वीडियो देखकर बहुत से कपल्स को अपने रिलेशनशिप गोल्स भी मिलेंगे। अभी सर मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ, तो आर्मी ने मुझे छोड़ा हुआ है कि भाई ओलंपिक में गोल्ड मेडल आना चाहिए। अच्छा। तो इनको सपोर्ट करो। सिमरन आर्मी से कोर केस ब्लेजर है। okay. जो इसको आर्मी का ब्लेजर मिला हुआ है। okay. और ये काफ़ी तरह आर्मी काफ़ी सपोर्ट करती है हमें हर तरीके से। okay. तो मुझे आर्मी ने छोड़ा हुआ है, तो बाकी प्रैक्टिस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, हम सुबह निकलते हैं, अभी कैंप में थे पिछले एक साल तक। तो यहीं पे मॉर्निंग में मेरा भी साथ में कैंप लगा हुआ था कोच में। तो हम प्रैक्टिस करते थे मॉर्निंग में इवनिंग में, 4 घंटा मॉर्निंग और 4 घंटा इवनिंग में। और सिमरन काफ़ी अच्छा वर्कआउट करती थी उस टाइम पे, डाइट वगैरह काफ़ी फॉलो किया, सब कुछ हुआ। तो और तो कोई था नहीं यहाँ पे जो इसको, मैं इसके साथ पे वर्कआउट करता था साथ में खुद ही, क्योंकि मैं भी आल्सो एम ए एथलीट, मैं लॉन्ग डिस्टेंस करता था अपने टाइम में। तो अभी तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरी सर्विस से इतना ही मिल पाता था जितना मैं एक ही बंदा उससे गेम कर सकता है। शुरू से ही, जैसे जब हमारी शादी हुई थी 2017 में हमारी शादी हुई थी, तो गजेंद्र जो है वो गांव से हैं, तो गांव के लोग ऐसे होता है कि भाई अपनी वाइफ को ऐसे मत रखो, उसको बहू है तो बहू की तरह रखो। शादी के अगले दिन ही इन्होंने मेरे से बोला कि चलो जिम चलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ जी, शुरू से शादी के अगले दिन ही इनके मुँह से ये निकला था कि सिमरन तुम्हें ओलंपिक खेलना है। अच्छा। जब तक मतलब मेरी सोच भी नहीं थी ओलंपिक तक, फिर इन्होंने मेरे को प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दिया। सब खिलाफ थे उस टाइम पे इनके, और उस टाइम हम फाइनेंशियली भी बहुत वीक थे, बहुत ज़्यादा वीक थे उस टाइम पे। फिर इन्होंने मुझे प्रैक्टिस कराना स्टार्ट किया। फिर मैं चाइना में जब मेरा गोल्ड मेडल आया, तो हमें हेल्प थोड़ी थोड़ी सी सपोर्ट मिलनी शुरू हुई, घर वाले थोड़े सेटिस्फाई हुए। आर्मी ने सपोर्ट किया, फिर आर्मी ने इनको फ्री छोड़ दिया बिल्कुल कि तुम्हें सिर्फ सिमरन को प्रैक्टिस करानी है, हम तुमसे कुछ काम नहीं कराएंगे, और जो तुम्हें सपोर्ट चाहिए हमसे हम तुम्हें देंगे, तुम्हें सिर्फ देश के लिए मेडल लाना है। कई बार ऐसा होता है, मैंने सिमरन को ग्राउंड में बहुत ज्यादा डांट दिया, ये रोने लगी और भागी ग्राउंड छोड़ के। मैं बोला नहीं करना है, मेरा नेशनल में फाउल हो गया था, तो मेरे को ऐसे बैग उठाया और घुमा के बोला निकल जा तू यहाँ से, तेरे बस की नहीं है कुछ भी करना। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पे जो होते हैं वो एक कोच की तरह होते हैं, तरस भी आता है मेरे ऊपर जब मैं वॉमिटिंग करती हूँ या मैं रोती हूँ कि बस अब मेरे बस की नहीं है रेपिटेशन लगाना, तो इनको तरस आता है। पर हाँ, ये आर्मी में है तो थोड़े स्ट्रॉन्ग है, तो अपने आप को वीक नहीं होने देते। अंदर से तो थोड़े होते हैं नर्वस कि अरे यार इसको इतना दुख हो रहा है, इतनी मेहनत कर रही है, इसको वॉमिटिंग हो रही है, कई बार बेहोश भी हो जाते हो ग्राउंड पे। तो फिर भी ये बोलते हैं नहीं सिमरन तुम्हें करना है क्योंकि तुम्हारा गोल बहुत बड़ा है। ट्रेनिंग के अलावा हम सर थोड़ा घूमते हैं, मूवीज देखते हैं,
ट्रेनिंग के अलावा हमारा टाइम सिर्फ डाइट में जाता है, सुबह शाम और थोड़ी लड़ाई कर लेते हैं आपस में। मेरे को मतलब मेरे को शुरू शुरू में चीजें पसंद नहीं थी क्योंकि मेरे को ये तलावा खाना बहुत पसंद था। डाइट में हमारी बहुत लड़ाई होती है कि भाई तुम्हें बीटरूट का जूस पीना है या तुम्हें ये खाना है या इतना दूध पीना है या तुम डाइट में ऐसे करते हो, तो डाइट के ऊपर हमारी बहुत लड़ाई होती थी। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने मेरा सब कुछ छुड़वाया। डाइट वगैरह मैं इनको मैं ही देता हूँ खुद बना के अपने आप। डाइट के लिए हमारे पास कुछ और तो था नहीं, मैं खुद ही बनाता था, खुद ही सिमरन प्रैक्टिस करती थी मैं आके, फिर वहाँ से डाइट में खाना कौन मैं ही बनाता था कुछ। ये खाना बनाते हैं और जो कपड़े धोते हैं सारा घर का काम करते हैं। बस इनको ये मेरे से क्या बोलते हैं, मैं बोलती भी हूँ कि मैं कर लूंगी काम। इनको बोलना है तुम्हें डाइट खानी है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है और तुम्हें सोना है, सिर्फ मुझे मेडल चाहिए, बाकी सारा मैं कर लूंगा। इन्होंने अपना सपना तोड़ दिया मेरे लिए, ये कह सकते हैं हम डायरेक्टली, क्योंकि ये भी गेम करना चाहते थे, मतलब बहुत अच्छे एथलीट थे तो अच्छा गेम करना चाहते थे, पर मेरी वजह से इन्होंने बोला कि हम दोनों में से एक ही कर सकते हैं गेम, तो फिर इन्होंने अपना गेम छोड़ दिया। फिर अभी मैं चाहता हूँ सर देखो शादी कर लेते हैं, उनको एक चार दीवारी में बंद कर देते हैं लड़की को कि भाई तुझे रोटी बनानी है, तुझे घर का काम करना है, बस तेरी यही लाइफ है। मैं चाहता हूँ सर जिस लड़की में जो टैलेंट है उसको पहचानो और उसको आगे बढ़ने के लिए उस टैलेंट को निकालने के लिए ताकि लोगों को पता चले कि तुम कौन हो, अपनी पहचान बनाओ, उसको सपोर्ट करो उस चीज़ के लिए, चाहे आपको उसके लिए अपने आप को कुछ भी करना पड़े, दाव पे लगाना पड़े लगा दो, क्योंकि आपको दिख रहा है यही टैलेंट है और यही मंजिल है, यही आपको उस मंजिल तक ले जा सकती है जो आप जहाँ जाना चाहते हो। तो सर फिर लगा दो अपना सब कुछ, भूल जाओ सब कुछ। मैंने वही किया, मैं सब कुछ भूल गया, मैं घर वालों तक के पास नहीं गया अपने, मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम्स आई, घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि यार तू कर अपना जो तुझे करना है, बस कभी मतलब निराश मत करना किसी चीज़ को लेकर। घर पे कुछ प्रॉब्लम भी होती थी किसी ने मुझे घर पे हमारे बहुत कुछ हो गया लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया कभी भी कि ऐसे ऐसे हो गया है या घर में प्रॉब्लम हो गया है तू घर आ जा। नहीं हम घर भी नहीं गए पता नहीं कब से, पिछले 8 महीने से हम अपने घर तक भी नहीं गए। कोई त्यौहार नहीं मनाते घर, कोई त्यौहार नहीं मनाते हम, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मैं तो सोचती भी नहीं थी कि ओलंपिक्स, मैं जब इंडिया कैंप को देखती थी तो मैं ये सोचती थी कि क्या मेरे को ये देखने के लिए मिलेगा कभी अंदर से, मैं इसके अंदर जाना चाहती हूँ। फिर एक दिन ऐसा आ गया कि मतलब मेरा खुद इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ और ओलंपिक्स का मैंने अपने ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मैं ओलंपिक्स खेलूँगी, पर इनके मुँह से निकला था 4 साल पहले कि सिमरन तुम्हें ओलंपिक्स खेलना है। सर मेरा मानना यह है जब आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो उसका सबसे लास्ट जो आखिर है उसको देखो बस, फिर और फिर शुरू हो जाओ, बस आँख बंद कर लो चलते रहो, थोड़ा प्रोसेस है लंबा है लेकिन टाइम लगेगा लेकिन आप जरूर अचीव कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, मेरा मानना यही है। मैं आर्मी से हूँ सर, मेरा तो बस ये मुझे कोई टास्क होता है मेरा तो सीधा कि तुझे ये अचीव करना है तो करना है बस। नहीं एक्चुअली हम ग्राउंड में ही मिले थे, दोनों एथलीट थे तो हम प्रैक्टिस करते थे, दोस्त थे दोनों, तो हमारी फ़ोन पे बात होती थी तो हमेशा ये प्रैक्टिस की ही बात करता था, प्रैक्टिस में ये सिमरन तुम कर सकती हो, सिमरन तुम कर सकती हो, तुम्हारे तुम्हें बस ये सुधारने की ज़रूरत है, ऐसे सुधारने की ज़रूरत है। मेरे लिए बहुत पढ़ाई करी है क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस वाले थे, हमें टाइम पे कोई कोच नहीं मिल रहा था अच्छा, हम बहुत ढूंढ रहे थे कि मेरे को कोचिंग करा दो, पर किसी को मेरे से उम्मीद नहीं थी तो इसलिए किसी ने मेरे को कोचिंग नहीं कराई। सब बोलते थे ब्लाइंड है, क्या दिक्कत है नहीं इसको, क्या प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत मतलब बुरा लगता था मुझे भी बहुत काफी, और देखती कैसे है, मतलब बहुत सारी बातें थी। फिर इन्होंने रात भर पढ़ाई करी, ऐसे इंस्टाग्राम पे या कहीं भी कुछ भी स्प्रिंट का कहीं से भी मिल रहा है तो पूरी रात पढ़ाई करते थे, फिर सुबह को मेरी टेक्निक करवाते थे। सिमरन का क्या था, बहुत मतलब पोस्चर बहुत टेढ़ा था, ऐसे करके भागती थी, मतलब बहुत ज़्यादा साइड से थोड़ा सा दिखता था उसी में भागती थी, फाउल उठा देती थी, दूसरे के लाइन में चली जाती, डिस्क्वालीफाई हो जाती थी, उस पे हमने बेल्ट ला के बहुत काम किया, बहुत वर्क किया। है कि आज हम कोई भी बंदा किसी लड़की से ऐसे शादी नहीं करेगा, ये बिल्कुल फिट है और जैसी लड़की चाहता वैसी मिल जाती इसको, तो इसने एक मेरे अंदर कमी थी और वो सबको पता थी, ना कभी घर वालों ने मतलब मेरे ससुराल वालों ने कभी मेरे को 1% भी ये दिखाया कि तेरे अंदर कमी है, ना कभी इसने ये बोला कि तुमको कुछ कमी है, मैंने खुद बोला कि मेरे को पैरा में खेलना है, मेरे को प्रॉब्लम है। तो मेरी जो बड़ी दीदी है मतलब मेरी जिठानी, उन्होंने बोला कोई नहीं मैं बनवाती हूँ तुम्हारा, मैं देती हूँ तुम्हें, तुम खेलो।
मेरे दिमाग में कभी प्यारा आया नहीं, मैंने टैलेंट से शादी की, ये टैलेंटेड है। और दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं लेकिन टैलेंट बहुत कम लोगों हैं, तो मैंने तो टैलेंट से शादी की सर, और उसको निकाला लोगों के सामने आज। लड़ाइयाँ तो सर सब में होती है, हमारी भी इतनी इतनी लड़ाई होती है कि मैं घर छोड़ के चली जा रही हूँ, ये मेरे को पीछे से पकड़ के ला रहे हैं, मतलब हम दोनों का गुस्सा जो है वो सेम है, दोनों गुस्सा होता है तो साथ में होते हैं, एक दूसरे को बोलना, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना। पर एक रिश्ते होते हैं, एक शादी जो होती है वो बच्चों का खेल नहीं होती कि हम पहले कर लें फिर तोड़ दें, क्योंकि एक शादी के साथ दो परिवार टूटते हैं, उन मेरे घर वाले, इनके घर वाले, और एक जो अपनी इज्जत होती है सबसे बड़ी चीज़ वो होती है। या मतलब अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली अपने घर के खिलाफ जाके कर रहे होगे, तो लव मैरिज में कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बाहर बात ना जाए। सो वेलकम बैक एवरीवन। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया का कंपाउंड विमेन सेमीफाइनल मैच शुरू हो चुका है और इंडिया की तरफ से ज्योति सुरेखा वेन्नम और एंड्रिया, इन दोनों के बीच का मैच है। एंड्रिया बकेरा, बहुत इंटरेस्टिंग है कि एंड्रिया बकेरा वर्ल्ड की 14 रैंक है उनकी वर्ल्ड में कंपाउंड के अंदर, और ज्योति की मैं आपको रैंकिंग बता चुका हूं, शी इज 13। और एंड्रिया बकेरा मेक्सिको की वर्ल्ड रैंक होल्डर हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। सो अभी देखना है कि ज्योति इसके अंदर इंडिया को कौन से पायदान पे लेके जाती है। आदित्य भाई वेलकम बैक, बहुत अच्छा लगा आपसे इतने टाइम के बाद बात करके। अनामिक चपराना भाई बोल रहे हैं कि आपको भी आर्चरी खेलनी है, तो अनामिक चपराना भाई मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे जाएं, पेज को लाइक करें और वहाँ से मैसेज करें मुझे, एंड देन वहाँ से हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन वट एवर पॉसिबल वे आई कैन। सो मैच हैज स्टार्टेड। जी आदित्य भाई आप सही बोल रहे हैं, आप जो वीडियो देख रहे थे वो एक्चुअली दिल्ली की हैं, सिमरन वत्स, सिमरन शर्मा, पैरालंपिक्स में भी गई थी, आपने सुनी लिया होगा उनकी वीडियो के अंदर जो हमने उनका इंटरव्यू करा था। ये इंटरव्यू हमने करा था पैरालंपिक्स के जो ट्रायल हुए थे दिल्ली के अंदर उसमें, और इंडिया का टाइम हुआ है 10 बजे है इस टाइम, और इंडिया की तरफ से कंपाउंड विमेन के अंदर अभी सिर्फ ज्योति हैं, और कल एक्चुअली इंडिया की जो रिकर्व टीम है वो खेलेगी। रिकर्व टीम के अंदर कल मुकाबला होगा, रिकर्व विमेन फाइनल इंडिविजुअल मैचेस होंगे जिसके अंदर इंडिया की तरफ से अंकिता भगत खेलेंगी, उनका कल क्वार्टर फाइनल का मैच है। सो सेम उसमें शेड्यूल चलेगा, पहले क्वार्टर फाइनल होंगे फिर सेमीफाइनल, उसके बाद में सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड। और इंडिया की अभी इस लेवल पे सिर्फ दो ही फीमेल्स पहुंची है, एक है ज्योति जो आप देख रहे हैं और एक है अंकिता भगत। अंकिता भगत का कल रिकर्व के अंदर मैच है, अभी चल रहा है मैच ज्योति सुरेखा वेनम का और एंड्रिया बकेरा का मेक्सिको की। एंड्रिया बकेरा वर्ल्ड की 14th रैंक होल्डर,
ज्योति वर्ल्ड की 13th रैंक होल्डर, और अगर ज्योति ये मैच जीत जाती हैं तो ज्योति का, तो इंडिया का एटलीस्ट एक सिल्वर एक मेडल पक्का है यहाँ पे। और अभी फिलहाल एंड्रिया बकेरा लीड लेते हुए, उन्होंने लीड ली हुई है और ज्योति हैज टेकन अ लीड बाय वन मोर पॉइंट इन द सेकेंड एंड। और मैं आप लोगों को बता रहा था कि इंडिया के एक्चुअली दो मैचेस हैं जिसके अंदर इंडिया फाइनल में पहुंचा है अभी तक। एक है इंडिया की विमेन टीम, जो विमेन का जो टीम इवेंट होता है उसके अंदर, और एक है मिक्स्ड इवेंट, और दोनों में ही इंडिया ने बहुत ही अमेजिंग परफॉर्म करा है। और इंडिया की तरफ से अनफॉर्चुनेटली मेन कैटेगरी के अंदर, मेन के अंदर रिकर्व में और कंपाउंड में, दोनों में ही इनफैक्ट कोई भी मेन उसके अंदर गया नहीं है, और ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा फ्रॉम अ मेंस पर्सपेक्टिव। लेकिन इंडिया की जो फीमेल टीम है उसने काफ़ी काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म करा है, और स्पेशली ज्योति ने, ज्योति तीन इवेंट्स का हिस्सा रही है कंपाउंड आर्चरी के अंदर, एक तो मिक्स टीम में भी है ज्योति, एक इंडिविजुअल के अंदर है कंपाउंड में, और एक विमेन टीम के अंदर। इंडिया का अभी कंपाउंड मेन क्वार्टर फाइनल होगा इस गेम के बाद, जिसमें सिर्फ इंडिया के तरफ से अभिषेक वर्मा है, और बस अभिषेक वर्मा है जो इस लेवल तक पहुंचे हैं मेन टीम के अंदर। और कल के मैं आपको मैच बता दूं, कल एक रिकर्व विमेन फाइनल होगा जिसके अंदर अंकिता भगत खेलेंगी इंडिया की तरफ से, और एक कल रिकर्व मेन होगा फाइनल जिसके अंदर इंडिया की तरफ से कोई भी मेल कंटेंडर नहीं है। सो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलते हुए, ज्योति सुरेखा, ज्योति ने पिछला जो एडिशन हुआ था इन गेम्स का 2019 के अंदर, उसके अंदर ज्योति ने 3 मेडल लिए थे, 2 सिल्वर लिए थे, 1 ब्रॉन्ज लिया था, क्योंकि वो 3 इवेंट्स के अंदर खेलती हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा वो पीछे चलते हुए, सो वी आर बैक। और जैसा मैं आपको दिखा रहा था इसके अंदर कि अभी इंडिया की तरफ से ज्योति इज इन द फाइट, ज्योति स्लाइटली बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ
इन टर्म्स ऑफ हर फाइनल स्कोर, और यहाँ पर 107 की लीड पर ऑन्ड्रिया मेक्सिको की ऑन्ड्रिया 14th रैंकर है. ये मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग क्योंकि 4 एंड हो चुके हैं और यहां पर ये देखना है कि ज्योति क्या यहाँ पे कर सकती है, क्या कमाल वो दिखाती हैं. सबको चार चार इसके अंदर एरोज मिलते हैं और अभी जो फाइनल है वो 107 पर है. एंड्रिया अभी दो दो एरोज हुए हैं, तीन एरो, दो दो एरोज, एक एरो अभी हुआ है ज्योति का, दो एरो हुए हैं एंड्रिया के. दोनों ही एक्स पर, एक एक्स पर मारा है इन्होंने और फाइनल इसके अंदर अभी स्कोर हुआ है 127 एंड दिस लुक्स लाइक द एंड ऑफ ज्योति सुरेखा'स टैली, बट लेट्स जस्ट वेट. Hundred and twenty-seven is the final score by Andrea, and 118 by Jyoti Surekha. Let's just wait for it. Aditya bhai, Deepika ji nahi khel rahi hain kyunki Deepika ji iske liye qualify nahi kar paye trials ke andar. So Deepika Kumari is not playing. And let's wait for this score to become final. बहुत ही अच्छा खेली ज्योति अब तक. 2019 के अंदर ज्योति का स्कोर काफी अच्छा रहा था, ज्योति ने 3 मेडल्स उसके अंदर लिए थे, लेकिन आज भी वो बहुत अमेजिंग खेली है. एंड let's just wait for the, so it is 148-146. और एक एक एरो और बचा हुआ है इसमें. फिफ्थ एंड के अंदर 1-1 एरो ईच टू गो. लुक एट द स्कोर ऑफ ज्योति, 1x 210. मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि x इज काउंटेड इक्विवेलेंट टू 10, लेकिन दैट एक्चुअली इज नॉट काउंटेड, आई मीन इट इज काउंटेड एज सेपरेट. और जब फाइनल हो जाते हैं स्कोर तो उसके अंदर नंबर ऑफ एक्सेस को भी काउंट करते हैं. और अभी यहां पे एंड x इज एक्चुअली द सेंटर पॉइंट, इट इज द इनर मोस्ट रिंग ऑफ द वाइट सेंटर, जिसके ऊपर जब तीर लगता है तो उसको एक्स माना जाता है. एंड फाइनल स्कोर आफ्टर 3 एरोज इज 148
and 146 and 146. Jyoti Surekha has won the match. Congratulations, everyone. And what a performance by this girl. And let me show you what is the final count. So this is the final tally. Gold ke liye khelengi ab Jyoti Surekha Venom. It's a gold medal match between Jyoti Surekha and Sara Lopez. What a tremendous performance. मैं ज्योति सुरेखा के बारे में आप लोगों को पहले भी बता रहा था. शी इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर. भारत की तरफ से वो बहुत सारे उन्होंने मेडल जीते हैं. पिछली बार भी जो वर्ल्ड चैंपियन हुई थी तो उसके अंदर उन्होंने 3 मेडल जीते थे, और अभी फिलहाल इन चैंपियनशिप्स के अंदर वो 3 और 2 और पार्टिसिपेट कर रही है इवेंट्स के अंदर. और अभी राइट नाउ शी इज going to go for gold medal match. Aur gold medal match hoga inka abhi Jyoti Surekha ka Sara Lopez ke sath. Aur compound women bronze final mein jo bronze ka match hai wo shuru ho chuka hai. Aur main aapko dikhata hu ki bronze ke match ke andar kya position hai. Compound women bronze final between Andrea and Toya Allison. Andrea Becerra, jisko Jyoti ne abhi abhi haraya hai. बिल्कुल आदित्य भाई, मैं पैरालंपिक्स वाला ही कमेंटेटर हूँ. आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं वो नहीं हूँ भाई? मैं बिल्कुल हूँ, दीपक हूँ. अगर आपको थोड़ा मेरी आवाज में फर्क लग रहा है, दैट माइट बी बिकॉज ऑफ द साउंड और द हेडफोन या फिर कुछ और, बट आई एम वेरी मच योर ओल्ड फ्रेंड आदित्य. And यहाँ पर थोड़ा सा इवेंट्स जो है उसके बारे में मैं आपको let me just you know again reprise you of the fact that कि दो तरह के कॉम्पिटिशन होते हैं आर्चरी के अंदर. और ऑब्वियसली उसके अंदर एक होता है रिकर्व, एक होता है कंपाउंड. तो अभी जो मैचेस चल रहे हैं वो कंपाउंड के हैं, और जिसके अंदर ज्योति हैं इंडिया की तरफ से. कल एक और मैच होगा इंडिया का इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर ही फिर से, जिसके अंदर अंकिता भगत खेलेंगी रिकर्व मैच के अंदर. और इंडिया का आज एक और थोड़ी काफी घंटे के बाद शुरू होगा, तो इसलिए शायद हम उसको टेलीकास्ट ना कर पाए. लेकिन मेंस का कंपाउंड के अंदर इंडिविजुअल में अभिषेक है, सो अभिषेक खेलेंगे. और हम बस वेट कर रहे हैं कि कंपाउंड विमेन ब्रॉन्ज के अंदर ज्योति का जो मैच है वो कैसा जाता है. ज्योति का मैच फाइनल मैच होगा, और जस्ट स्टे ट्यून्ड for that match.
इंडिया की ज्योति खेलेंगी उसके अंदर। ज्योति का मैच होगा थोड़ी देर में, इमीडिएटली आफ्टर दिस गेम इज ओवर ज्योति's मैच विल स्टार्ट, सो वी विल स्टे ट्यून्ड फॉर ज्योति's मैच। ज्योति का मैच होगा सारा लोपेस के साथ। अगले 15 मिनट के अंदर वो मैच शुरू हो जाना चाहिए। बहुत अमेजिंग खेल रही है इंडिया की सुरेखा, ज्योति सुरेखा वेनम। फाइनल गोल्ड मेडल मैच होगा सुरेखा ज्योति वर्सेस सारा लोपेस, एंड ज्योति अभी खेलेंगी भाई गोल्ड मेडल मैच, खेलेंगी गोल्ड मेडल कंपाउंड विमेन गोल्ड फाइनल। आदित्य स्टे ट्यून्ड फॉर दैट मैच। All right, so Andrea Becerra versus Toya Ellison इस टाइम चल रहा है, एंड जैसे मैंने बताया कि ज्योति का भी फाइनल शुरू होगा। इंडिया ने इस बारी जितने भी आर्चर्स भेजे थे, इंडिया ने एक्चुअली रिकर्व और कंपाउंड दो टीम्स भेजी थी आर्चरी के अंदर, जिसमें रिकर्व के अंदर भारत की बहुत ही पॉपुलर आर्चर हैं फीमेल में, कमोलिका बारी वो गई थी, रिद्धि फोर गई थी, और वर्ल्ड नंबर 32 अंकिता भगत गई थी, जिसके अंदर जिसका इंडिविजुअल के अंदर कल मैच है अंकिता भगत का, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं वो। और साथ ही साथ में मेनका है, जिसके अंदर मेनका कंपाउंड है, जो भी अभिषेक वर्मा थोड़ी देर में खेलेंगे। इंडिया ने 6 लोगों की टीम भेजी थी, तीन मेन भेजे थे रिकर्व में, 3 मैन भेजे थे कंपाउंड के अंदर, जिसके अंदर ऑब्वियसली इंडिया की जो मैन टीम है उसके अंदर सिर्फ एक, 6 में से सिर्फ एक अभिषेक वर्मा क्वार्टर फाइनल तक पहुंच पाए हैं। और अभी थोड़ी देर में उनका भी मैच शुरू होगा कंपाउंड मैन क्वार्टर फाइनल के अंदर, और उनका जो मैच होगा सबसे आखिरी में होगा। सो वहां तक पहुंचते पहुंचते इंडिया के टाइम के हिसाब से अराउंड 1 या 2 बज जाएंगे। लेकिन सबसे अमेजिंग चीज ये है कि इंडिया की जो फीमेल प्लेयर्स हैं उसमें से इंडिया ने 6 फीमेल प्लेयर्स को भेजा था, ऑब्वियसली 3 रिकर्व में और 3 कंपाउंड के अंदर, जिसके अंदर वुमेन टीम में अंकिता भगत इस लेवल तक पहुंची है क्वार्टर फाइनल तक, और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि फाइनल तक गोल्ड मेडल का मैच होगा, जिसके अंदर ज्योति सुरेखा कंपाउंड में शी हैज रीच्ड। और ज्योति सुरेखा का बहुत ही अमेजिंग पूरा पिछले 1.5 घंटे से जो हमारा टेलीकास्ट चल रहा है इसके अंदर शी हैज रियली परफॉर्म्ड वेल, और वी नीड टू सी कि टोया एलिसन अगर ये मैच लेके जाती हैं तो शी विल आल्सो बिकम, शी विल विन वन ऑफ द मेडल्स, ब्रॉन्ज मेडल, एंड देन इसमें से
तो इंडिया का एक मेडल एक्चुअली पक्का है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ज्योति सुरेखा वेनम का एक मेडल पक्का है, या तो वो गोल्ड लेके जाएंगे या फिर सिल्वर। सेरा लोपेस के साथ उनका मैच है, सेरा लोपेस कोलंबिया की वर्ल्ड रैंक नंबर 3 है वो, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और वर्ल्ड कप स्टेजेस तक वो गोल्ड के लेवल तक वो 22 बारी पहुंची हैं, बहुत ही अमेजिंग प्लेयर हैं, 5 बारी वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, जिसके साथ अभी मैच होगा इनका ज्योति का। और साथ में जिसका ज्योति का जिनके साथ मैच होगा वो वर्ल्ड यूथ चैंपियन रह चुकी हैं, 5 बारी वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं इस टाइम कंपाउंड कैटेगरी के अंदर। शी हैज प्लेड मोर देन 150 मैचेस सो फार और उनकी 86% की मैच विनिंग परसेंटेज है, सो शी इज अ टफ नट, वॉच आउट फॉर हर। और वर्ल्ड नंबर 1, जैसा मैंने बताया, वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुकी हैं वो, सो जस्ट वेट एंड वॉच आउट फॉर सेरा लोपेज परफॉर्मेंस। इसके अंदर अभी जो मैच हो रहा है वो टो एडिसन और एंड्रिया बकेरा का हो रहा है, और ऑब्वियसली इसके अंदर वी नीड टू सी कि इसमें कौन मैच आगे लेके जाता है। स्लोवेनिया की टोया एलिसन है, टोया एलिसन अगेन शी इज वर्ल्ड नंबर 7, वर्ल्ड फील्ड चैंपियन है वो, वर्ल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रह चुकी हैं। कोई भी इस लेवल तक जो प्लेयर आता है ऑब्वियसली वो प्लेयर उसके अंदर कुछ बात होती है, और इस टाइम हम देख रहे हैं कि ज्योति का जो मैच होगा वो वर्ल्ड नंबर 3 के साथ होगा, और साथ में अभी टो एडिसन है ऑलरेडी वर्ल्ड नंबर 7 पर है, एंड्रिया बकेरा वर्ल्ड नंबर 14 है, तो वर्ल्ड नंबर 13, 14 और 7 और वर्ल्ड नंबर 3 इस टाइम सेमीफाइनल्स के जो मैच हैं उसमें खेल रहे हैं, और इसके अंदर जो सीधी टक्कर होगी अभी वो सीधा इंडिया की होगी वर्ल्ड नंबर 3 के साथ गोल्ड मेडल मैच में। नहीं आदित्य भाई, चाइना थैंकफुली खेल रहा है इसके अंदर, लेकिन वो इस लेवल तक नहीं पहुंचा है, इसमें ज्यादातर साउथ कोरिया का दबदबा है। सो वी नीड टू सी कि यहां पे इंडिया का फाइनली कैसा परफॉर्मेंस रहता है। आई एम श्योर कि इसके अंदर इंडिया का जो परफॉर्मेंस आएगा, इंडिया का एक मेडल जो है वो पक्का है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये बात, सो जस्ट वेट एंड वॉच कि इंडिया आज कौन सा इसके अंदर मेडल लेके आता है, या वो सिल्वर है या फिर वो गोल्ड है। सो मैच ऑलमोस्ट क्लोजर पर, क्योंकि इस मैच के बाद सीधा मैच शुरू होगा ज्योति का, और
ज्योति के मैच का ही एक्चुअली हम वेट कर रहे हैं कि ज्योति का मैच जैसे ही स्टार्ट होगा वी विल स्टार्ट टेलीकास्टिंग दैट. अभी फिलहाल एंड्रिया बकेरा और टोया एलिसन का मैच चल रहा है. टोया एलिसन वर्ल्ड नंबर 7 और दिस मैच इज लाइव राइट नाउ. और एंड्रिया बकेरा का मैच, एंड्रिया बकेरा वर्सेस टोया एलिसन, एंड्रिया बकेरा को ऑलरेडी हरा चुकी हैं ज्योति, ज्योति वर्ल्ड नंबर 13 और एंड्रिया वर्ल्ड नंबर 14. और ज्योति के बारे में मैं आपको थोड़ी देर पहले भी ये बता रहा था कि व्हाट अ टैलेंटेड प्लेयर, 25 साल की प्लेयर है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर उन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया हुआ है. 4 साल की एज के अंदर उन्होंने, जब वो 4 साल की थी तो उन्होंने कृष्णा नदी, जो जो इंडिया की 4th largest रिवर है आफ्टर गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी, उसको उन्होंने 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को अक्रॉस द रिवर शी क्रॉस्ड इट 3 times विद इन 20 minutes एंड विद इन 3 hours 20 minutes एंड 6 seconds. अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में शी हैज बैग्ड मोर देन 70 medals. सो व्हाट अ वंडरफुल प्लेयर शी इज. इंडिया के, ये आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा है आदित्य, इंडिया के ज्यादातर जो कॉम्पिटिशन्स हैं फाइनल से वो कोलंबिया के साथ हो रहे हैं. विमेन का, विमेन टीम का कोलंबिया के साथ हो रहा है. इंडिया का मिक्स टीम जो है वो विमेन कोलंबिया के साथ हो रहा है. और सेरा खुद कोलंबिया की प्लेयर है, आपने एकदम सही पकड़ा है. तो कोलंबिया इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, कमिंग अक्रॉस अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हियर. एंड यू कैन सी कि उनकी पूरी टीम बहुत धमाकेदार प्लेयर्स हैं. राइट हैंडर सेरा लोपेज, और इंडिया का भी मैं कहूंगा कि आर्चरी के अंदर जैसे पहले रहता था कि इंडिया का ओलंपिक्स के अंदर पहले क्वालिफाई तक नहीं कर पाती थी, लेकिन अब फाइनली वो क्वालिफाई कर पा रहे हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल के ऊपर इतना अमेजिंग परफॉर्मेंस रहा है. तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो बदली हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्प्रूव हुई हैं इंडिया की, जिसमें से इंडियाज़ परफॉर्मेंस एट सच अ ग्रैंड लेवल इज ऑल्सो समथिंग टू लुक आउट फॉर. And we're just waiting for this match to finish so that we can move on to the final event, the final match. Or you see, इसी दौरान मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने अगर आपने इंडिया की परफॉर्मेंस पैरालंपिक्स के अंदर देखी होगी तो ऑब्वियसली दिस शुड नॉट यू नो कम एज सरप्राइज टू यू दैट इंडिया इज एक्चुअली गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर हब्स ऑफ आर्चरी. पहले तो इंडिया एक्चुअली क्वालिफाई तक नहीं कर पाता था, लेकिन अब ना सिर्फ इंडिया क्वालिफाई कर पा रहा है बट एट द सेम टाइम इंडिया इज सेटिंग अ बार. और यहाँ पे अभी जो द मैच दैट यू आर वॉचिंग राइट नाउ, दैट दैट मैच इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट टेस्टमेंट टू द फैक्ट कि
कि इंडिया के जो आर्चर्स हैं वो वर्ल्ड लेवल पर रशिया के जैसी जो कंट्रीज हैं उसको भी उन्होंने दे हैव डिफीटेड देम। और जी स्कोर इक्वल हो चुका है, लेकिन इसमें एक्चुअली शूट ऑफ होगा और शूट ऑफ के अंदर अभी जो शूट ऑफ है वो चल रहा है और शूट ऑफ के अंदर जो ज़्यादा स्कोर करेगा दैट पर्सन विल टेक द मैच। और आपको शूट ऑफ दिखा देता हूँ, इसमें देखिए शूट ऑफ चल रहा है और शूट ऑफ के अंदर एंड्रिया हैज टेकन द मैच। सो एंड्रिया हैज वन दिस मैच। एंड्रिया इज द ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। शूट ऑफ के अंदर एंड नाउ विल बिगिन द मैच दैट ऑल ऑफ अस हैव बीन वेटिंग फॉर। Between Jyoti and Sarah, और मैं I'm a little surprised कि जिस level पर इंडिया पहुंची है इस टाइम, इसके अंदर there's no buzz in the media. India's team has done so well. And and it is a little surprising कि इंडिया की तरफ से जो ज्योति वैनम है जिन्होंने इतना अच्छा खेला है उनका एक्चुअली there is no buzz which is getting created, which is a little surprising. अब वो क्यों है वो तो obviously audience ज़्यादा better समझ सकती है, but then the question that I'm asking is that right now India is going to go for a gold medal. और let me take you to an arrow by arrow count of women compound women gold match. और India's Jyoti Surekha Verma Venon is creating history. And I think जो ज्योति ने and this I think if Jyoti wins this match, वो तो silver तो already पहले एक बार वो जीत चुकी हैं, लेकिन अगर ये मैच लेके जाती हैं ज्योति, सो दैट इज गोइंग टू बी अनप्रेसिडेंटेड। So the first end has started. Second end has started. 58-57 final score. First round of देखिए इसके अंदर तीन arrow मिले थे और second end has started. Second end के अंदर तीन तीन arrow हैं. Comparatively same score, 9-10x, 10-9x,
within the next 5 minutes, it is going to be decided whether India has created a history or not. And after second set, it is 58-57. I'm literally on the edge of my seat because this is going to be a really, really great show. And Jyoti has already in the past won a silver in the same championships back in 2018, and now we need to see, can she improve her medal tally, and can she do okay? So after third end, ek arrow bacha hai abhi Jyoti ka. Jyoti ke do arrow maar chuki hain. सेरा भी दो दो एरो मार चुकी हैं, सो दो दो एरो सेम, एंड 78-76 सेरा इज लीडिंग. पच्चीस साल की ज्योति, व्हाट अ टैलेंटेड प्लेयर. इनफैक्ट शी इज वन ऑफ द बेस्ट आर्चर्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, who's representing India at such a grand scale. Or yeah, actually do end ke baad aur teesra end shuru ho chuka hai, thoda sa iske andar data feed mein thoda sa delay ho raha hai. Second end ke baad 58-57, थर्ड एंड के बाद 78-76 पर. एंड लेट्स सी इफ इंडिया इज एबल टू क्रिएट हिस्ट्री इन दिस मैच. और इसके बाद मेन कंपाउंड का एक मैच होगा अभिषेक वर्मा, जिसके अंदर खेलेंगे क्वार्टर फाइनल में. वो थोड़ा मैच डिले होगा, डिले इन द सेंस कि इंडिया के टाइम के हिसाब से बहुत थोड़ा वो लेट होगा. तो आई वुड से कि and here we have live gold medal match, Jyoti Surekha Venom versus Sarah Lopez, 88-86. ek point se, in total 2 points se piche Jyoti. एंड मैं अपने ऑडियंस को बता दूं, अपने व्यूअर्स को बता दूं कि कल एक और मैच होगा फीमेल का, फीमेल पार्टिसिपेशन कल फिर से होगा, जिसके अंदर इंडिया की तरफ से अंकिता भगत खेलेंगी रिकर्व मैचेस. और वो जो रिकर्व मैच होगा तो कल के हिसाब से अराउंड रात को 8:30 के आसपास शुरू होगा. एंड जस्ट वेट एंड वॉच दैट हाउ इंडिया परफॉर्म्स इन दैट मैच. और यहाँ पे फिलहाल
ज्योति 88-86 पर ज्योति का मैच गोल्ड मेडल फाइनल वर्ल्ड आर्चरी कंपटीशन, तीन तीन दोनों के एरो शुरू हो चुके हैं, अभी फोर्थ एंड आएगा इसके अंदर। टोटल पांच एंड्स, टोटल पांच एंड के अंदर तीन तीन एरोस, सो टोटल 15 एरोस, और अगर स्कोर इक्वल जाता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर शूट ऑफ मिलता है। और 117 आफ्टर फोर एंड्स, 117, 114, 14 अभी भी चांस है ज्योति सुरेखा के पास कि वो इस गेम को पलट सकती है, एंड शी हैज ऑल द कैपेबिलिटी। वर्ल्ड नंबर 13, एंड नाउ शी इज जस्ट इंचिंग टुवर्ड्स द फिफ्थ सेट, द फिफ्थ एंड, आफ्टर एंड ऑफ फोर एंड्स, फाइनल स्कोर इज 117-114। और थोड़ा सा इसमें मेरे को डाउट है, अनलेस सेरा कोई गलती करती है, लेकिन ज्योति अगर तीनों एरोस 10-10-10 मारती हैं तो ज्योति को अपना बेस्ट देना पड़ेगा, और ये एक्सपेक्ट, ये होप करना पड़ेगा कि सेरा अगर एक छोटी सी अपनी मिस्टेक करें तो उसके अंदर थोड़ा चांस बनता है ज्योति को। बट लेट्स सी, दिस मैच इज ऑन इट्स एज। और फिफ्थ एंड has started and after fifth end the match is won by Sarah Lopez, Sarah Lopez of Colombia, let's just wait for the scores to become final. Let's just wait for the final announcement. Sarah Lopez, Colombia ki वर्ल्ड नंबर 3 प्लेयर, वर्ल्ड नंबर 3 वर्सेस वर्ल्ड नंबर 13, एंड we're just waiting for the announcement, for the final score announcement, and there you go, compound women final, the match is won by Sarah Lopez of Colombia, and Sarah Lopez has taken this match, and Sarah Lopez becomes the gold medalist in
the final round of World Archery 2021 Women's Compound Match. So मैं आपको इसके अंदर दिखा दूं कि फाइनल इसके अंदर स्टैंडिंग क्या रही है और अभी जो मैच मैच होगा वो अब मेन के मैचेस इसमें शुरू होंगे. सो आई एम गोइंग टू शो यू दैट व्हाट हैज बीन द फाइनल स्कोर. सो कंपाउंड विमेन के अंदर गोल्ड मेडल का मैच हुआ अभी, जिसके अंदर सेरा लोपेज हैज वन द मैच, शी हैज वन द गोल्ड. और इंडिया की ज्योति सुरेखा वैनम, शी हैज वन सिल्वर. और एंड्रिया बकेरा हैज वन ब्रॉन्ज. सो दिस इज द फाइनल स्टैंडिंग, द फाइनल प्लेसमेंट ऑफ एथलीट्स इन द विमेन्स कंपाउंड आर्चरी मैच. और इंडिया के पास इस टाइम ये जो सिल्वर आया है कंपाउंड विमेन इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर आया है. अभी इंडिया का मैं आपको बता दूं कि इंडिया का एक और मैच होगा जिसके अंदर अभिषेक वर्मा खेलेंगे कंपाउंड मेन क्वार्टर फाइनल के अंदर, वो इंडिया का लास्ट मैच होगा आज का. और इसके बाद कल इंडिया का एक मैच होगा रिकर्व विमेन फाइनल के अंदर, जिसके अंदर क्वार्टर फाइनल में अंकिता भगत खेलेंगी यूएसए की केसी कॉफोल्ड के साथ. यूएसए के टाइम के हिसाब से वो 10:14 पर होगा, यानी कि इंडिया के टाइम के हिसाब से आप लगा लीजिए कि अराउंड लगभग 8:30 वो मैच शुरू होगा. और आज का दिन इंडिया के लिए काफी अच्छा गया. इंडिया के आज मैचेस जो शुरू हुए थे कंपाउंड फाइनल के अंदर, सबसे पहले मैच शुरू हुआ ज्योति वैनम का क्वार्टर फाइनल में, जिसके अंदर उन्होंने अमांडा को हराया. उसके बाद फिर से ज्योति का मैच हुआ सेमीफाइनल में, जिसके अंदर उन्होंने एंड्रिया बकेरा को हराया. और अभी फाइनल उनका मैच हुआ है सेरा लोपेज के साथ, जिसके अंदर सेरा ने गोल्ड जीता है और ज्योति ने सिल्वर. सो इसके साथ गाइज वी आर कंक्लूडिंग टुडेज टेलीकास्ट. And my thanks to all the viewers. And I'm not going to end the match just like that, end the telecast just like that. अगर आपके पास time है तो मैं आपको एक live video दिखाना चाहूँगा. And post that we are going to finish today's telecast. So दोस्तों मैं आप लोगों से मिलूँगा कल अंकिता भगत के मैच के साथ रात को 8:00. We will start our live telecast. Till that time, good night, sweet dreams, and I will see you tomorrow. खिलाड़ी सालों साल मेहनत करते हैं और 4 साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब वो पैरालंपिक्स में जाते हैं और अपना हुनर दिखाते हैं, देश के लिए खेलते हैं, मेडल लेके आते हैं. और सभी वो खिलाड़ी जो भारत के लिए खेलते हैं उन्हें देश का प्यार मिला है, देश का सम्मान मिला है. लेकिन सिर्फ प्यार और सम्मान से घर नहीं चलता दोस्तों, ट्रेनिंग नहीं चलती, ट्रेनिंग में लगते हैं पैसे. और यह पैसा खर्च होता है डाइट में, ट्रेनिंग में, कोचिंग में, न्यूट्रिशन में. एक एक सप्लीमेंट 10,000 रुपये का आता है, एक एक इक्विपमेंट लाखों का आता है और कितने ही इक्विपमेंट ट्रेनिंग के दौरान टूट जाते हैं. तो सवाल यह है कि पैरालंपियंस को दिया जाने वाला कैश प्राइस कितना है जो उनके सालों की मेहनत और खर्चे को पूरा कर सके. और यही आज का मेरा सवाल, खिलाड़ियों को कितना कैश प्राइस. पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईपीसी यानी कि इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी जो पैरालंपिक्स करवाती है, खिलाड़ियों को मेडल के अलावा कुछ नहीं देती. ये कैश प्राइस डिपेंड करता है देश पर. यूएसए जैसी कंट्री अपने उन पैरालंपियंस को जो गोल्ड मेडल लेके आते हैं उन्हें $37,500 देता है, मतलब कि अप्रोक्सीमेट 27 लाख रुपए. सिल्वर मेडलिस्ट को मिलते हैं $22,500 अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 16.5 लाख रुपए.
और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 15,000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 11 लाख रुपए। अब बात करते हैं भारत की। आपको जानकर खुशी होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैरालंपियंस को उतना ही कैश प्राइज देता है जितना ओलंपियंस को, मतलब सरकार ये डिफरेंटली एबल्ड और एबल बॉडीड एक ही दर्जे पर हैं और यह बहुत अच्छी बात है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने 2020 में इंटरनेशनल मेडलिस्ट के लिए कैश प्राइज स्कीम में अमेंडमेंट करा ताकि पैरा एथलीट्स को भी उतना ही कैश प्राइज मिल सके जितना एबल बॉडीड्स को मिलता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक गोल्ड मेडलिस्ट पैरालंपियन को 75 लाख रुपए, सिल्वर मेडलिस्ट को 50 लाख और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 30 लाख रुपए देती है। तो आप देख सकते हैं कि यूएसए के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को सिर्फ 11 लाख रुपए मिलते हैं और भारत के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को मिलते हैं 30 लाख रुपए, जो कि यूएसए के गोल्ड मेडलिस्ट को मिलने वाली कैश प्राइस से भी ज्यादा है। और यह कैश प्राइस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अलग से कैश प्राइस डिक्लेयर करे हैं, जैसे हरियाणा ने गोल्ड मेडलिस्ट पैरालंपियंस के लिए 6 करोड़ रुपए, सिल्वर के लिए 4 और ब्रॉन्ज के लिए 2.5 करोड़ रुपए की घोषणा करी है। तो इसका मतलब है सुमित अंटिल और मनीष नरवाल जैसे खिलाड़ियों को जो हरियाणा से हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो उनको 6 करोड़ का कैश प्राइज मिलेगा, जबकि योगेश कथुनिया और सिंगराज अधाना जी जैसे प्लेयर्स को 4-4 करोड़ रुपए। तमिलनाडु सरकार ने सिल्वर मेडलिस्ट मरियप्पन को 2 करोड़ देने की घोषणा करी है और गुजरात सरकार ने भवीना पटेल को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है। तो ये तो बात हुई उन खिलाड़ियों की जिन्होंने मेडल जीते, मगर उन खिलाड़ियों का क्या जो मेडल नहीं ला पाए, जैसे पैरा एथलीट विनोद कुमार जो खेले भी, एक नया एशियन रिकॉर्ड भी बनाया, मगर एक डिस्प्यूट के चलते उन्हें अपना मेडल गंवाना पड़ा। मैंने तो परफॉर्मेंस तो इन खिलाड़ियों ने भी करी, तो फिर कोई इनको पार्टिसिपेशन के लिए कैश प्राइज क्यों नहीं मिलना चाहिए? जैसे लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं, सालों पढ़ाई करके कैट क्रैक करते हैं, फिर MBA करते हैं और उसके बाद में अच्छी सैलरी लेते हैं, वैसे कुछ लोग स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाते हैं। ऐसे एथलीट्स को कोई मंथली सैलरी नहीं मिलती, कोई बोनस नहीं मिलता, उनकी आस होती है सिर्फ ऐसे कॉम्पिटिशन जहाँ वो खेलें, परफॉर्म करें ताकि उनका परिवार चल सके, उनको जीने का सहारा मिले, उनकी ट्रेनिंग चलती रहे। और ऐसे कॉम्पिटिशन रोज रोज नहीं होते दोस्तों, अच्छे लेवल के कॉम्पिटिशन मिनिमम साल में एक बार ही होते हैं और पैरालंपिक्स 4 साल में एक बार। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हरियाणा सरकार का, जिन्होंने 2018 में ऐसा ही एक पार्टिसिपेशन कैश प्राइज स्टार्ट करा। हरियाणा सरकार ने 2018 में ये घोषणा करी कि वो सभी खिलाड़ी जो पैरालंपिक्स में भाग लेंगे उन्हें 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, चाहे वो मेडल लाएं या ना लाएं। और सिर्फ पैरालंपिक्स ही क्यों, ब्लाइंड क्रिकेट क्यों नहीं, डेफ स्पोर्ट्स का क्या? ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के विनर को सेंट्रल गवर्नमेंट 5 लाख रुपए का कैश प्राइज देती है, जो 4 साल में एक बार ही होता है। आपके हिसाब से क्या है सही है? अगर आपको मेरी बात में लॉजिक लगता हो तो वीडियो शेयर करें और सरकार तक मेरा यह अनुरोध पहुंचाएं कि कोई ऐसी नीति लेकर आए जिसमें ना सिर्फ मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को पैसा मिले, बल्कि उनको भी मिले जिन्होंने गेम्स में पार्टिसिपेट करा, ताकि वो नेक्स्ट गेम के लिए प्रिपेयर कर सकें, मेडल लेके आ सकें और तब तक उनकी फैमिली को सपोर्ट मिले, उनको खुद को ट्रेनिंग का सपोर्ट मिले। ना सिर्फ पैरालंपिक्स बल्कि ब्लाइंड, स्पेशल और डेफ एथलेटिक्स और प्लेयर्स को भी सरकार का फोकस मिले। आप लोगों ने समय निकाल कर बिलोंग टू स्पोर्ट्स का वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। बिलोंग टू स्पोर्ट्स भारत का पहला और एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फीमेल, डिफरेंटली एबल्ड और LGBTQ एथलीट्स को डेडिकेटेड है। कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग बिलोंग टू स्पोर्ट्स। जय हिंद। खिलाड़ी सालों साल मेहनत करते हैं और 4 साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब वो पैरालंपिक्स में जाते हैं और अपना हुनर दिखाते हैं, देश के लिए खेलते हैं, मेडल लेके आते हैं। और सभी वो खिलाड़ी, नमस्ते दोस्तों, बिलोंग टू स्पोर्ट्स की खेल पर डिबेट में आपका स्वागत है। सरकार ने आखिर किया ही क्या है? अचीवमेंट्स तो एथलीट्स की होती है, तो हम सरकार को क्यों क्रेडिट दें? और ना जाने ऐसे कितने ही सवाल लोग पूछ रहे हैं और पूछते भी हैं, खास करके तब जब देश कोई माइलस्टोन हासिल करता है और जनता का एक तबका सरकार को उस अचीवमेंट का भागीदार मानता है। ऐसी एक अचीवमेंट रही भारत का पैरालंपिक्स में 19 पदक लाना। भारत का आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट पैरालंपिक्स में गया, जिसमें 54 खिलाड़ियों ने 9 गेम्स में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 16 फीमेल्स और 25 मेल पार्टिसिपेंट्स थे।
और इन खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 19 पदक जीते, जो कि भारत के पैरालंपिक्स या ओलंपिक्स के इतिहास में अब तक के सबसे ज्यादा मेडल्स हैं, जिसकी वजह से भारत का पूरा पैरालंपिक्स में 24वां रैंक आया, जो अब तक की हाईएस्ट रैंकिंग है। तो क्या इस अचीवमेंट का कुछ श्रेय भारत सरकार को भी जाता है? और यही है आज का मेरा सवाल, सरकार ने आखिर किया ही क्या? मैं आपको ये बता दूं, 2016 तक कुल 15 पैरालंपिक्स हुए, जिसमें भारत ने 4 गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करा, 1960, 1964, 1976 और 1980। और इन 11 पैरालंपिक्स में जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट करा, हमने कुल मिलाकर 12 पदक जीते, जिसमें से 4 गोल्ड थे, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। और अब की बार 2020 के टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने वो कर दिखाया जो 11 पैरालंपिक्स में नहीं हुआ, और वो है 54 खिलाड़ियों को भेजना, 19 पदक लेकर आना, जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज है। तो क्या वजह है कि भारत ने ऑलमोस्ट 3 गुना खिलाड़ी भेजे, जिसमें से कई खिलाड़ी तो पहली बार पैरालंपिक्स में गए, और क्या वजह है कि भारत ने इतने कीर्तिमान प्राप्त करे? सबसे पहले तो समझने वाली ये बात है कि किसी भी चीज के अचीवमेंट में, चाहे वो गेम्स हो या पढ़ाई या फिर कुछ और, 2 चीजें होती हैं, और वो हैं एफर्ट और इकोसिस्टम। एफर्ट का मतलब होता है कि एक खिलाड़ी अपनी तरफ से कितना जोर लगाता है, कितनी मेहनत करता है, और इकोसिस्टम होता है कि खिलाड़ी को कितना सपोर्ट मिल रहा है। ये सपोर्ट हो सकता है प्राइवेट पार्टनर से, पब्लिक से या फिर गवर्नमेंट से। अगर मैं बात करूं एफर्ट यानी कि खिलाड़ियों की खुद की मेहनत की, तो कोई शक ही नहीं पैदा होता कि भारत के सारे के सारे खिलाड़ी, वो जो पैरालंपिक्स के लिए सिलेक्ट हुए या फिर नहीं हुए, सबने अपना 100% से भी ज्यादा दिया। चाहे कोई खिलाड़ी मेडल लाया या नहीं लाया, मगर अपना पूरा एफर्ट दिया, जान से खेले, शान से खेले, जिसका नतीजा आप देख ही चुके हैं, एक ऐतिहासिक कामयाबी। अब अगर मैं बात करूं इकोसिस्टम की, यानी कि खिलाड़ियों को मिलने वाले सपोर्ट की, तो खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है पैसे की। और ये पैसा कहां खर्च होता है? ये खर्च होता है डाइट में, न्यूट्रिशन में, इक्विपमेंट में और कोचिंग में। कई खिलाड़ी जो ये अफोर्ड कर सकते हैं वो करते हैं, मगर जो नहीं कर सकते उनका क्या? 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया का इनॉग्रेशन करा, जो कि भारत का नेशनल प्रोग्राम है फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, जिसका मकसद है स्पोर्ट्स कल्चर और स्पोर्ट्स फ्रेमवर्क डेवलपमेंट। खेलो इंडिया के 12 वर्टिकल्स हैं, जिसमें से प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंग पीपल विद डिसेबिलिटीज का अलग से एक वर्टिकल है। खेलो इंडिया के अंदर 20 तरह के खेल आते हैं, जिसमें हाल ही में मल्लखंब और कलरीपयट्टू जैसे इंडिजिनियस गेम्स भी शामिल किए गए हैं। हर साल 1000 बेस्ट परफॉर्मिंग एथलीट्स को 8 साल के लिए 5,00,000 रुपए की सालाना स्कॉलरशिप मिलती है, ताकि उन्हें इंटरनेशनल लेवल के गेम्स के लिए तैयार किया जा सके। 2021 और 2022 का खेलो इंडिया का बजट था 657.71 करोड़। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ने 2014 में टॉप्स स्कीम की शुरुआत की, जिसका मतलब है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसका मकसद है टू प्रोवाइड असिस्टेंस एज वेल एज फाइनेंशियल एड टू इंडियाज टॉप एथलीट्स एज दे प्रिपेयर फॉर द क्वेस्ट टू विन मेडल्स एट इंटरनेशनल इवेंट्स। इस स्कीम के अंदर आइडेंटिफाइड खिलाड़ियों को फॉरेन ट्रेनिंग, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भेजना, उनके इक्विपमेंट, कोचिंग कैंप और हर महीने 50,000 का स्टाइपेंड मिलता है। करंटली 104 खिलाड़ी अभी इस स्कीम का हिस्सा हैं, जिसमें से नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू जैसे कुछ नाम हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीते, और 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे विनोद कुमार, प्रवीण कुमार, पारुल परमार, पलक कोहली, रुबीना फ्रांसिस, भवीना पटेल, जिन्होंने पैरालंपिक्स 2020 में पार्टिसिपेट करा, और प्रवीण कुमार और भवीना पटेल जैसे खिलाड़ी मेडल भी लेकर आए। 2020 में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड मिला, जिस पर पीसीआई प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपा मलिक का कहना था कि वो सभी एथलीट जो पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेशन के लिए स्कोप में है, ऐसा हर एक खिलाड़ी किसी ना किसी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम का हिस्सा है। भवीना पटेल को अपनी एक कस्टम मेड व्हीलचेयर मिली, अपना खुद का टीडी टेबल खरीदने की फंडिंग मिली और इक्विपमेंट सपोर्ट के लिए 7,00,000 रुपए भी मिले। और ऐसे और भी हैं
जिनको सरकार की तरफ से सहायता मिलती है। जैवलिन थ्रोअर सुमित अंटिल ने बताया कि पैरा जैवलिन थ्रोअर्स को न सिर्फ नीरज चोपड़ा जैसी ट्रेनिंग मिली बल्कि उनको खुद को पिछले 3 साल में इटली, फ्रांस और ट्यूनिशिया जैसे देशों में जाके कम्पीट करने का मौका मिला। सुमित अंटिल को 7 लाख का प्रोस्थेटिक ब्लेड मिला, इक्विपमेंट और बायोमैकेनिक सपोर्ट भी मिला जिसके अंदर प्राइवेट पार्टनर्स का भी हिस्सा था। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने गोल्ड मेडल विनर अवनी लखेरा को महंगी से महंगी स्पोर्ट्स राइफल, पिस्टल और एम्यूनिशन दिलाए और उनके घर पर कंप्यूटराइज डिजिटल टारगेट सिस्टम भी लगवाया ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें, भारत के लिए मेडल लेके आ सकें। व्हीलचेयर सिल्वर मेडलिस्ट भवीना पटेल को अपडेटेड प्रैक्टिस पार्टनर रोबोट मिला जिसके साथ उन्होंने लॉकडाउन के दौरान प्रैक्टिस करी। खिलाड़ी को ये सब सुविधाएं देने का मतलब ये भी है कि सरकार उनको बता सके कि वो उनके साथ है, उनका ख्याल रखती है। पैरा बैडमिंटन के कोच गौरव खन्ना का कहना है कि जहां पहले उन्हें प्रैक्टिस के लिए स्लॉट्स बुक करने पड़ते थे, अब बैडमिंटन के लिए अलग से प्रोफेशनल एकेडमीज हैं, स्पोर्ट्स साइंस इक्विपमेंट है, जिम है, सोना बाथ है, हाइड्रोथेरेपी है और वो सब कुछ है जो एक प्रोफेशनल एथलीट को चाहिए। There were around 700 para athletics at the nationals in 2015 and 1800 in 2019. और अगर हमारी नहीं माने तो खुद एथलीट्स की बात करें, उनसे सुनिए कि सिचुएशन कैसे चेंज हुई है। हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट शरद कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया कि 2004 में डबल गोल्ड मेडल विनर देवेंद्र झाझरिया अपने पैसे से एथेंस पैरालंपिक्स गए थे। अब की बार फिजिकली चैलेंज के लिए सरकार ज्यादा ध्यान रख रही है, पीएम खुद सेंड ऑफ कर रहे हैं और खिलाड़ियों को कॉल भी कर रहे हैं, उनकी रिसेप्शन भी कर रहे हैं। इस पर यूएस के गोल्ड मेडल विनर एथलीट का कहना था, नथिंग कैन गेट बिगर देन दिस, नॉट इवन अ गोल्ड मेडल। शरद कुमार ने यह भी बताया कि दुनिया की 15% आबादी फिजिकली और मेंटली चैलेंज है। अब भारत सरकार इसका ख्याल रख रही है और उनको बराबर का ट्रीटमेंट दे रही है। सरकार आपकी जरूरतों का ख्याल रख रही है, चाहे वो इक्विपमेंट हो या फिर कुछ और। सिंगा चथाना जिन्होंने शूटिंग में 2 मेडल्स जीते, उन्होंने मोदी जी से कहा कि उनका शासन रामराज की तरह है। कोई तो वजह होगी कि उन्होंने यह कहा। कोई देश अगर आगे बढ़ता है तो उसमें सबकी भागीदारी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। बरसों की मेहनत, कोचिंग और ट्रेनिंग के बाद एथलीट खेलने जाते हैं और उनकी आस होती है अपने देशवासियों पर, अपनी सरकार पर। और ऐसे में अगर सरकार ही अपना पल्लू झाड़ ले तो खिलाड़ी कैसे परफॉर्म करेंगे, ये आप बताइए। और हमने देखा है खिलाड़ियों को सरकार का, जो कि एक इकोसिस्टम बनाती है, उसका पूरा सपोर्ट है और रिजल्ट हमें देखने को भी मिला है पैरालंपिक्स में, एक नया कीर्तिमान। और मेरा सरकार से यही अनुरोध है, अपने पैरा एथलीट्स को यूं ही सपोर्ट करते रहिए, ना सिर्फ पैरालंपिक्स में बल्कि हर एक गेम्स में, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल। आप लोगों ने समय निकाल कर बिलोंग टू स्पोर्ट्स का वीडियो देखा, जिसके लिए आपका धन्यवाद। बिलोंग टू स्पोर्ट्स भारत का पहला और एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फीमेल पैरा एथलीट्स और LGBTQ एथलीट्स को डेडिकेटेड है। कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग बिलोंग टू स्पोर्ट्स। जय हिंद।